Hello students today i am going to explain you the fourth chapter of class 11 history book the central islamic lands in this chapter we are going to read about the rise of islam and its expansion over a vast territory from egypt to afghanistan students in the last chapter we had done that how Roman empire was declined because of the expansion of islam now we come to the text of this chapter as we enter the 21st century 21st century there are over 1 billion muslims living in all parts of the world they are citizens of different nations speak different languages and dress differently students in 20th century we have seen 1 billion of muslim living throughout the world and they are the citizens of different different nations but they and they speak different languages also their dressing sense is also different but द प्रोसेस बाय विच दे बिकेम मुस्लिम कि वो तरीके जिनसे वो मुस्लिम्स बने दैट वर वैरिड वो अलग अलग हैं अलग अलग तरीके से जो अलग अलग लोग थे वो मुस्लिम्स बने थे सो वर द सर्कमस्टांस इन विच दे इवेंट देअ सेपरेट वेज और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसकी वजह से वो सभी अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए Yet the इस्लामिक community has its रूट्स इन मोर यूनिफाइड पास्ट विच unfolded roughly 1400 years ईयर्स एगो इसके बाद भी इस्लामिक कम्युनिटी की जो रूट्स हैं वो वहीं से मानी जाती हैं अरेबिया से ही सऊदी अरे अरबिया से ही मानी जाती हैं उनका एक यूनिफाइड पास्ट मतलब एक जैसा इतिहास रहा है और वो कब रहा अराउंड 1400 हंड्रेड ईयर्स एगो अगर अब 2000 uh, की बात कर रहे हैं हम दैट मीन्स कि नियर अबाउट 600 हंड्रेड ईयर्स सिक्स हंड्रेड की हम स्टडी uh, यहाँ पर करेंगे 600 हंड्रेड से लेकर 1200 हंड्रेड तक के टाइम पीरियड में इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ था इजिप्ट और अफगानिस्तान में दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस Chapter. Yet the Islamic community has its root in a more unified past and unfolded roughly in 1400 years ago, Arabian Peninsula. In this chapter, we are going to read about the rise of Islam and its expansion over a vast territory expanding from Egypt to Afghanistan, the core area of Islamic civilization. This is called the core area of Islamic civilization. Underline it: Egypt, from Egypt to Afghanistan, and the time period is 600 to 1200 AD. In these centuries, Islamic society exhibited multiple political and cultural patterns. Although during this time period, Islamic society established multiple political and cultural pattern. Ki कई राजनैतिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें थीं वो देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इस्लामिक सोसाइटी में द टर्म इस्लामिक इज़ यूज हेयर नॉट ओनली इट्स प्योरली रिलीजियस सेंस यहाँ पर इस्लामिक वर्ड का जो यूटिलाइजेशन हुआ है दैट इज नॉट ओनली फॉर रिलीजियस सेंस बट इट ऑल्सो कॉल द सोसाइटी एक इस्लामिक सोसाइटी को यहाँ पर एक्सप्लेन uh, किया गया है कल्चरल हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद इस्लाम सोसाइटी यानी समाज और संस्कृति किस तरह से एसोसिएट रही है इस्लाम से दैट we are going to read in this chapter in this society not everything was happening originated directly from religion ye jo society thi islamic society thi isme religion se hi sab kuch originate nahi hua but it took place in society where muslims and their faith were recognized socially dominant बल्कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मुस्लिम्स का during that time period dominance कैसे था non-Muslims के ऊपर और वो non-Muslims भी बहुत ही important role play कर रहे थे नॉन मुस्लिम्स ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंटेग्रल पार्ट दैट मीन्स कि मुस्लिम्स भी थे और नॉन मुस्लिम्स भी थे इस एरिया में अरेबियन पैनन्सोला में एंड इफ सबॉर्डिनेट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एज डिट जूज़ इन क्रिश्चियडम और ये जो नॉन मुस्लिम्स रह रहे थे मुस्लिम्स के साथ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सोसाइटी में उस टाइम पर भी जैसा कि किसने किया था जूज ने इन द क्रिश्चनडम दैट मीन्स कि क्रिश्चियंस के साथ साथ भी कौन रहे थे ज्यूज़ रहे थे तो उनका एक अपना रोल था उसी तरीके से मुस्लिम्स के साथ जो नॉन मुस्लिम्स थे उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस्लाम को जानने के लिए आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड बिटवीन 600 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड इज़ द बेस्ड ऑन क्रॉनिकल्स ऑफ तवरिक विच नरेट इवेंट इन ऑर्डर टू टाइम नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सोर्स टू अंडरस्टैंड इस्लामिक लैंडस अब कौन कौन से सोर्स हैं सोर्सेस हैं हमारे क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स को और क्या बोला जाता है त्वारिक विच नरेट इवेंट इन ऑर्डर टू टाइम त्वारख मतलब और क्रॉनिकल्स का मतलब होता है डेट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क सच एज़ बायोग्राफी और किससे पता चला उस टाइम पीरियड के बारे में हमें हमें पता चला बायोग्राफी से जिन्हें क्या बोलते हैं सीरा बोलते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द से एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट हदीत इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद ने जो कुछ भी बोला उन्होंने जो अपनी विचार रखे उसको क्या बोला जाता है हदीत वो भी क्या है सोर्सेज़ हैं इस्लाम को समझने के कमेंट्रीज़ ऑन द कुरान इसके अलावा कुरान में जो कमेंट्रीज़ की गई हैं कम कुरान में जो बोला गया है लिखा गया है दैट इज ऑल्सो द सोर्स टू अंडरस्टैंड इस्लाम द मेटीरियल फ्राम विच दीज वर्क प्रोड्यूस वॉज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स इसके अलावा कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स भी हैं जो उस टाइम पीरियड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में हमें प्रोवाइड होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है अखबार नाउ अखबार में ट्रांसमिटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओरली और पेपर अब वो भी जो ट्रांसमिट किया गया उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया गया था या तो मौखिक रूप से बोलकर या फिर कागज के ऊपर लिखकर लोगों को पहुंचाई गई ये सारी बातें नाउ इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आ, The authenticity of each report was tested by critical method which विच the chain of transmission is not That means कि वो जो बातें बोली gayi ya लिखी गई थी उनका पहले क्रिटिकली उसको एग्जामिन किया गया आलोचनात्मक तरीके से उसको रखा जाता था जिसमें जो सूचना दी जाती थी जो भी कम्युनिकेट किया जाता था रिपोर्ट दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था खबर बोला जाता था कोई भी खबर लिखने से पहले या बोलने से पहले उसको क्रिटिकली एग्ज़ामिन किया जाता था एंड टेस्टेड बाय क्रिटिकल मेथड विच ट्रेस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन तो इस तरह से ये देखा जाता था कि ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि ये जो सूचना दी है Uh, क्या जिस पर्सन ने उस सूचना को दिया है क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं वो विश्वसनीय है ये जो तरीका था किसी भी बात को लिखने का या उसको बोलने का कि उसको आलोचनात्मक तरीके से उसकी देख रेख की जाए कि वो जिसने बोला है या जो लिखी है जो भी न्यूज़ लिखी है जो भी खबर लिखी है वो सही है या नहीं है किस पर्सन ने दी है उस सबको एनालाइज करके ही उस खबर को आगे बढ़ाया जाता था तो ये तरीका जो था वो बिल्कुल ही फ्लॉलेस था मतलब उसमें किसी भी तरह का दोष नहीं था बट

अपने वृतांतों में तो वो उस पर तो वो पूरा ध्यान रखते थे कि इन्फॉर्मेंट सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है ऑन द कंट्रोवर्शियल इश्यूज दे प्रोड्यूस डिफरेंट वर्जंस ऑफ द सेम इवेंट्स as they found in their sources और जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते थे अगर वो उन पर लिख रहे हैं तो वो ध्यान रखते थे कि जो डिफरेंट वर्जन्स हैं यानी जिसने जो कुछ भी बोला है उस इशू से रिलेटेड वो उसको सभी को राइट डाउन किया करते थे एज दे फाउंड इन देअर सोर्सेज लीविंग द टास्क ऑफ जजमेंट टू देअर रीडर्स दे डिस्क्रिप्शन दे डिस्क्रिप्शन ऑफ इवन क्लोजर टू देयर ओन टाइम्स इसके अलावा वो लिखने के बाद किस पर छोड़ दिया करते थे अपने जो रीडर्स होते थे उन पर छोड़ दिया करते थे कि वो कितना उसको जज करेंगे उनकी इन्फॉमेशन को किस तरह जज करेंगे नाउ देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवन क्लोज़र टू देयर ओन टाइम इज़ मोर सिस्टमैटिक इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम्स ने जो अपने बारे में लिखा और अपने टाइम पीरियड के इस्लाम के बारे में जो लिखा उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा और एनालिटिकल मीन्स विश्लेषणात्मक रूप से लिखा और उसे सिर्फ अखबारों का संग्रह ही नहीं कहा जा सकता है दे लेस टू अ कलेक्शन ऑफ अखबार मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्स वर्कस आर जो मोस्ट ऑफ़ द सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स थे और इसके अलावा जो क्रॉनिकल्स थे क्रॉनिकल्स मतलब डेट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स जो होता है तो वो सब चीज़ें कैसी थी अरेबिक भाषा में लिखी गई थी ऑन द अदर हैंड बींग द बेस्ट बींग द तवारीख ऑफ तबारी इससे ये जो क्रॉनिकल हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल किस की मानी जाती है तबारी की तवारीख विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश ऑल्सो इन थर्टी एट वॉल्यूम्स पर्शियन क्रॉनिकल्स आर फ्यू बट दे आर क्वाइट डिटेल्ड इन देअर ट्रीटमेंट इसके अलावा परशियन क्रॉ क्रॉनिकल्स भी हैं जो बहुत ही डिटेल्ड हैं ऑफ़ ईरान एंड सेंट्रल एशिया जो किसके बारे में ईरान के बारे में एंड सेंट्रल एशिया क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स रिटन इन सीरिया एक क्रिश्चियंस की जो क्रॉनिकल्स हैं जो उनके डेट वाइज वृत्तांत हैं वो किस में लिखे गए हैं सीरियाक भाषा में लिखे गए हैं जो डायलेक्ट है जो एक रूप है किसका अरमाइक लैंग्वेज का अरमाइक इज अ लैंग्वेज रिलेटेड टू अ हिब्रू एंड अरेबिक अरमाइक क्या है एक लैंग्वेज है जो रिलेट करती है हिब्रू लैंग्वेज से और अरेबिक लैंग्वेज से एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शन अंडरलाइन इट एंड वी सी दैट आर फ्यूअर बट दे आर थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम इस्लाम कि ये जो क्रॉनिकल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं क्रिश्चियंस के लेकिन उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस्लाम को जानने के लिए बिसाइड क्रॉनिकल्स वी हैव लीगल टेक्स्ट जियोग्राफीज ट्रैवलॉग्स इसके अलावा क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास और कौन कौन से सोर्सेज हैं लीगल टेक्स्ट हैं यानी कानूनी जो पुस्तकें हैं वो हैं जोग्राफ़ी हैं ट्रैवलॉग्स हैं ट्रैवलॉग्स जो यात्रा वृत्त होते हैं बाहर से जब हमारी कंट्री में कोई ट्रैवलर आते हैं और उसके बारे में लिखते हैं वो अपनी यात्रा के बारे में तो दैट वी कॉल्ड ट्रैवलॉग्स एंड लिटरेरी वर्क सच एज स्टोरीज़ एंड पोएम्स और जो लिखित है लिखित हमारे पास क्या है स्टोरीज़ एंड

आपस में बातचीत की जो आ, आ, जो हम बोलते हैं कि प्राइवेट जो करस्पॉन्डेंट्स है वो मिले हैं ऑफिशियल ऑर्डर्स मिले हैं लिखे हुए वो बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को जानने में इस्लाम की बिकॉज इट डज़ नॉट कॉन्शियसली रेफर टू इवेंट्स एंड पर्सन क्योंकि वो कॉन्शियसली नहीं लिखे गए हैं मतलब कि उन्हें आ, समटाइम होता है ना कि हम किसी चीज़ को लिखने बैठते हैं किसी पर्सन के बारे में तो हम बहुत सोच विचार के उसको इस तरह से लिखते हैं कि कहीं उसके लिए हम कुछ गलत ना लिखते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में ये जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्री दिखावटी नहीं थे बल्कि वो रियल थे कि जो कुछ भी उसमें कन्वर्सेशन uh, थी या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल ही रियल हुआ करते थे

और जो गैनेजा रिकॉर्ड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट थे उस टाइम पीरियड में कुछ एविडेंसेस और कहाँ से मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जैसे एग्जेक एट द साइट ऑफ डेजर्ट पैलेसेस एंड न्यूमिसमैटिक्स जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइंस जो मिले हैं उस टाइम पीरियड में वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे एपीग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं दे आर आल्सो द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड इस्लाम And economic history of that time period, art history, and uh, uh, there, and for establishing names and dates. तो ये सारी जो चीज़ें मिली हैं कॉइन्स मिले हैं, हैं एक्सिबिशन साइट से जो चीज़ें मिली थी ये बहुत ही इम्पॉटेंट थी उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को आर्ट को जानने के लिए इम्पॉटेंट नेम्स और डेट्स को जानने के लिए नाउ द प्रॉपर हिस्ट्रीज ऑफ़ इस्लाम बिगिन टू रिटर्न इन द नाइनटीन सेंचुरी कि एक्चुअली में इस्लाम की जो हिस्ट्री थी वो लिखनी कब शुरू हुई थी नाइनटीन सेंचुरी में कहाँ पर शुरू हुई किसने शुरू की यूनिवर्सिटी अंडरलाइन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इन जर्मनी एंड नेदरलैंड के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने इसे लिखना शुरू किया कलोनियल इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंक्रेज फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स आल्सो क्योंकि उस टाइम पीरियड में कलोनियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इस्टैब्लिश हो गए थे तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने भी रिसर्च करने की कोशिश की थी इस्लाम के बारे में क्रिश्चियन प्रेस टू पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इसके अलावा क्रिश्चियन प्रेस ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पीरियड इस्लाम के टाइम पीरियड को जानने में आ, हालांकि उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि इस्लाम को वो सिर्फ कंपेयर करने की कोशिश करते थे क्रिश्चियनिटी से दीज स्कॉलर्स कॉल ओरिएंटलिस्ट ये जो स्कॉलर्स थे ये प्राच्यविद कहलाए ओरिएंटलिस्ट कहलाए एंड आर नोन फॉर देयर नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एंड क्रिटिकल एनालाइज ऑफ़ ओरिजिनल टेक्स्ट इगनास गॉल्सियर वॉजा हंग्रेनियन जो हुटडीड ऐट द इस्लामिक कॉलेज अलजहर अब यहाँ पर यह बताया गया कि ये जो इस्कालस थे औरटलिस्ट कहा जाता था जो इस्लाम के बारे में लिख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें किस लिए जाना जाता था उनकी नॉलेज के लिए किस नॉलेज के लिए अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज के लिए क्रिटिकल एनाल के लिए इसके अलावा एक ओरिजिनल टेक्स्ट है इग्नास गोल्सियर जो थे वो वो एक हंग्रेनियन जो थे जिन्होंने इस्लाम कॉलेज में स्टडी की कायरो में एंड प्रोड्यूस अ पार्थ ब्रेकिंग स्टडीज़ इन जर्मन ऑफ़ इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी उन्होंने क्या किया था कि जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने जो इस्लामिक लॉ है यानी इस्लामिक कानून है उसको लिखा था इसके अलावा थियोलॉजी क्या होती है धार्मिक विज्ञान को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा था एंड ट्वेंटियथ सेंचुरी हिस्टोरियंस historians of islam have largely followed the interest and method of orientalist 20th century historians orientalist interest follow and they uh, why वाइड द स्कोप ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स को इंक्लूड करके उन्होंने वाइड किया था बढ़ा दिया था इस्लामिक हिस्ट्री को एंड दे यूजिंग एलाइड डिसिप्लिन इसके अलावा कई अलग विषयों पर भी उन्होंने लिखा सच एज इकोनमी एंथ्रोपोलॉजी जो मानव विज्ञान होता है उसके बारे में लिखा सांख्यकी स्टाटेटिक्स मतलब सांख्यकी के बारे में लिखा एंड दे हैव

The custom and belief of people they are studying.